खबर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से है, जहां महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन पूरे माह चलेगा। आज पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद के नेतृत्व में हस्ताक्षर कैंप लगाकर महिला अपराध से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी एवं साइबर अपराध से जागरूकता की जानकारी बालिकाओं एवं महिलाओं को प्रदान की गई। पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद ने बताया, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम पूरे माह चलाया जाएगा। पुलिस महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सदैव तत्पर रहती है तथा महिलाओं से संबंधित अपराधों में त्वरित कार्यवाही ही की जाती है। इसके अलावा यदि घरेलू हिंसा से संबंधित कोई अपराध घटित होता है तो उसकी सूचना हेतु पुलिस विभाग द्वारा कंट्रोल रूम के नंबर, व्हाट्सएप नंबर, टोल फ्री नंबर, महिला सेल के नंबरों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। देखिए, एक तारीख से लगातार पुलिस द्वारा जो है महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। चूँकि ये पूरा महा महिला सशक्तिकरण के रूप में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज यहाँ पर एक सिग्नेचर कैंपेन रखा गया है। इसके साथ ही साथ साइबर जागरूकता और महिला अपराध से जुड़ी हुई जानकारियाँ जो हैं वो महिलाएं और बच्चियों को दिए जाएंगे। और इसमें हम लोगों ने ITI की प्रिंसिपल भी आई हैं, GH कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, एक ADPO हैं, जो लीगल मापदंडों के बारे में जो है वो महिलाओं और बच्चियों को बताएंगे। तो एक तरीके का वर्कशॉप है आज और एक सिग्नेचर कैंपेन है। सिग्नेचर इसलिए कि हम एक तरीके का प्रण लेके जा रहे हैं सभी महिलाएं कि हमारे आसपास जो भी हम सीख रहे हैं आज, आसपास की जो हमारी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, किसी के अगर विरुद्ध कुछ होता है और कोई अगर प्रताड़ित अपने आप को महसूस करता है तो वो किस तरीके से अपना बचाव कर सकता है और कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करा सकता है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।